एबे कथा बा जम्मू कश्मीर को एक बहुत बड़ घटना सामने को वर्तमान आसी जे जम्मू कश्मीर धारा 370 उच्छेद होवार बीतीगले 3 वर्ष आउ एबे केन्द्र सरकार का आउ एक फैसला केन्द्र शासित अंचल राजनीति को सरगरम कर घाटी में भूकंप आसी कहले किसी भूल हो जम्मू कश्मीर मुख्य निर्वाचन अधिकारी घोषणा घाटर राजनीति को तेज कर मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार कहते जे ए वर्ष शेष बेलू प्रस्तावित विधानसभा निर्वाचन भोटर लिस्ट अपडेट कर स्वाधीनता पर प्रथम थर पर अण कश्मीर भारतीय नागरिक भोट दे पारे जो मैंने बाहर राज्य आसी जम्मू कश्मीर में अस्थायी भाव रही आसमें प्रवासी श्रमिक अच्छा अन्य कर्मचारी भी सामिल अच्छा धारा 370 हटा पूर्व भोटर लिस्ट में मोट भोटर संख्या थी 76 लाख नुआ नियम अनुजाई पखापाखि 25 रु 26 लाख नुआ भोटर तालिकार सामिल है। हृदेश कुमार का सूचना अनुजाई भोटर लिस्ट में परिवर्तन प्रक्रिया सेप्टेम्बर 25 आरंभ होगा एवं यह 25 अक्टोबर पर्यंत जारी रहा 10 नवेम्बर सुधा जदि किसी आपत्ति अभियोग रही तार समाधान कर 10 नवेम्बर सुधा आप अभियोग शुणाणी होगा आप कौन कह चाहिए परिवर्तन करें शुणाणी करेंगे निर्वाचन नियम परिवर्तन निर्वाचन फलाफल उपर पड़ एक घोषणा पर राज्य पारंपरिक राजनीतिक दलगुड़ मध्य असंतोषर निहा तेजार लगे कहीं कारण कौन पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बीजेपी को टारगेट करती बीजेपी जम्मू कश्मीर को प्रयोगशाला करने को उद्यम करुच्ची आरोप लगे निष्पत्ति काश्मीर गणतंत्र हत्या पर प्रक्रिय उद्देश्य स्थानीय लोकों दुर्बल करने बाहर लोकों घाटी निर्वाचन प्रक्रिय सामिल राज्य निर्वाचन आयोग फैसला को विरोध करुंट जम्मू कश्मीर पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा न्यासनाल कन्फरेन्स अध्यक्ष फारूक अब्दुल अगस्त 22 राज्य सब् राजनैतिक दल को नहीं सर्वदल बैठक डाकि बैठक में आगे कौन पदक्षेप नहीं गेम प्लां तैयारी हो रणनीति तैयारी कहुच्छी अच्छा इमर कहार तात्पर्य होया पीडीपी एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस यही दुईट दल वर्तमान जम्मू कश्मीर में स्ट्रंग अच्छा जदि भोटर तालिका संशोधन हो समस्त भोट दबार अधिकार मिल जाए यह कहुपर गेम चेंजर हो पारती घाटे नन लोकाल 25 लाख भोटर आ पूरा पावर आसी जाए बीजेपी हाथ में क्या कहीं कौ तथ्य मात्र बुझाक चेस्टा करवा कौन पर बिगुड़ 2019 लोकसभा निर्वाचन में भोटर लिस्ट अपडेट होता 2019 जम्मू काश्मीर में 78.4 लाख भोटर थे केवल काश्मीर बासिंदा जो मैंने 2 लाख भोटर लद्दाख में थे एमाने बासिंदा प्रॉपर सेटिकार लोकल या भितर 2019 6.5 लाख नुआ भोटर जोड़ी होते जो मान बयस 18 वर्ष होता जदि नुआ 25 लाख भोटर जोड़ी हमें तेज काश्मीर भोटर संख्या आहरी बढ़ी काश्मीर घाटी में अणकाश्मीर लोकों संख्या 7.5 लाख मैंने पाखापाखि 8 लाख नुआ भोटर जोड़े नुआ भोटर लद्दाख में घाटे राजनीतिक समीकरण बदल देते मैंने वर्तमान घाटी 2014 विधानसभा निर्वाचन पीडीपी को मिलता 10.92 लाख भोट मैंने पाखापाखि 11 लाख बीजेपी पाई 11.7 मैंने पाखापाखि 12 लाख भोट आदि ये भोट मिशुची तेल बीजेपी सरकार गढ़ा एक प्रकार फाइनाल हो जहाँकि महबूबा मुफ्ती किंवा फारूक अब्दुल्ला चाहती ना तेज जम्मू काश्मीर नुआ भोटर तालिका प्रकाश पाइबा पर घाटी में सरगरम हो जाए राजनीति स्थानीय राजनीतिक दल खासकर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस महबूबा मुफ्ती पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी और गनी लोकों पार्टी भितर हड़कंप आरंभ हो जाए कहीं जो मैं उम्मीद करता हूँ क्योंकि 4 साल से समरी रिविजन नहीं हुआ है तो 20 से 25 लाख के आसपास वोट बन सकते हैं तो ये मैसिव एक्सरसाइज है और सभी को BLOs को AEROs को EROs को और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स को सेंसिटाइज कर दिया है। जम्मू कश्मीर रे नुआ वोटर तालिका प्रकाश पाइबा परे घाटी रे आरंभ हो जाएगी राजनीति स्थानीय राजनैतिक दल खासकर फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस महबूबा मुफ्ती पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी और गनी लोकों पार्टी भितर हड़कंप आरंभ हो जाए नुआ भोटर तालिका को खूब जोरसोर विरोध कर आरंभ कर जो है बीजेपी के 25 लाख जो नॉन लोकल्स हैं वोटर्स उनको यहाँ इंक्लूड किया जाएगा एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट नेल इन द कॉफन ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हियर पहले जो इन्होंने रिगिंग करनी थी वो तो आधी रिगिंग कर दी जिस वक्त डिलिमिटेशन कमीशन यहाँ बनाया और उसमें जितनी जेरी मैंडरिंग होनी थी वो सब कर लिया और जिसका नतीजा ये हुआ कि जो उसकी हेड करती थी उस पैनल को उसको अब बड़ी अच्छी तरह से रिहैबिलिटेट किया गया शी हैज बीन रिवॉर्डेड कि अगर आप ऑर्डिनरीली सिटीजन कहते हैं तो उसका जो पूरा क्राइटेरिया है वो क्या है इसका मतलब है कोई भी यहाँ टूरिस्ट आता है
वो यहाँ रजिस्टर कर सकता है। वो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बहुत सारे स्टेट्स जो मुल्क में हैं जिनमें इलेक्शन अभी नहीं है, वो लोग यहाँ आ जाएंगे, अपने लोगों को यहाँ भेजेंगे, वो यहाँ रजिस्टर करेंगे, वो यहाँ वोट डाल के डी रजिस्टर करेंगे यहाँ, और फिर से अपने आप को वहाँ अपने स्टेट्स में रजिस्टर करते हैं। बिकॉज क्लैरिटी जब नहीं है तो अप्रिहेंशन तो यही लोगों के दिमागों में है। जम्मू काश्मीर में पूर्व धारा 370 और धारा 35 लागू रही बेले घाटी रोकता कौन अण काश्मीरी लोक निर्वाचन में भोट दे पार नहीं। पंचायत निर्वाचन ठू विधानसभा और लोकसभा निर्वाचन में केवल स्थानीय काश्मीर नागरिक ही भोट दे, भोट देवार अधिकार केवल घाटी स्थायी बासिंदा पाखे था। किंतु काश्मीर पर संविधान दुई विशेष धारा हटा पर अण काश्मीर घाटे रही आसटदान करें एभलिकी जो भारतीय काश्मीर घाटी में ड्यूटी करुथिबे सेमाने मध्ये वोटर तालिका रे ना जोड़ी पारिबे, अर्थात काश्मीर रे सेमाने वोटर होई पारिबे आ वोट दे पारिबे, अर्थात अण काश्मीर को एबे वोट देबार अधिकार मिलिछि। घाटी रे रहुथिबा अण काश्मीर को संख्या किछि कम नहि, जथेष्ट अधिक 370 धारा हटिबा पूर्वरु वोटर लिस्ट रे 76 लाख वोटर थिले काश्मीर। एबे नुआ नियम लागू हेबा परे वोटर तालिका रे 25 लाख अधिक वोटर जोड़ी होई जाइछन्ते, जाको हजम करि परनाति स्थानीय राजनीतिक दल। जो आज चीफ इलेक्शन अफसर ने कहा है तो उसके मायने यही हैं कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वोट क्यों नहीं डालेंगे। आपने तो 70 साल गोरखा समाज को, वाल्मीकि समाज को और वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को इस अधिकार से वंचित रखा। अब यहाँ कोई ना तो कोई स्पेशल स्टेटस है जो लोगों को उनके हकों से दूर करता है, इसलिए इलेक्शन कमीशन का जो कहना है वो बिल्कुल सही है। राजनीतिक समीकरण बिगिड़े भय एवं खासकर स्थानीय राजनीतिक दल पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और गनी लोकों पार्टी को खूब बाधि। पाक अधिकृत काश्मीर को छाड़देले एवं जम्मू काश्मीर रही 83 विधानसभा सीट, जम्मू में 37 सीट थी बेले काश्मीर घाटी रही 46 सीट, तेज 27 वर्ष पर डिलिमिटेशन होगापर सीट बढ़ी 90 हो जाए। जम्मू में 6 सीट बढ़ी एवं 43 होता बेले काश्मीर रही 47, तेज स्थानीय राजनैतिक दलगुड़िक काश्मीर घाटी में भल प्रदर्शन करे जम्मू में जोर दुई क्षेत्र में सीट पर सामान होगापर स्थानीय दल पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को बड़ समस्या होती। जम्मू क्षेत्र में बीजेपी स्थिति मजबूत थी बेले काश्मीर घाटी जदि किसी सीट अख्तियार कै घाटी में बीजेपी सरकार करें किसी असुविधा ना। 2014 विधानसभा निर्वाचन में जम्मू क्षेत्र में 37 आसन बीजेपी 25 सीट अख्तियार कर एवं जम्मू में 6 सीट बढ़ा और अण काश्मीर भोटर को भोट देवार अधिकार मिलवा पर बीजेपी भल प्रदर्शन कर स्थानीय दल पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस हजम कर पार ना। कानून के मुताबिक जो हकदार है वो वोटर हो सकता है, लेकिन जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की डेफिनेशन है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 सेक्शन 20 के तहत, ऑर्डिनरली एक आदमी जहाँ पे नौकरी के सिलसिले में आया है वहाँ का रेजिडेंट नहीं समझा जाता, वो दो जगह वोटर नहीं हो सकता। अगर कोई बिहार का, कोई यूपी का, कोई किसी और प्रदेश का यहाँ पे नौकरी के पर्पज से आया है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की जो डेफिनेशन है कानून के मुताबिक उसको उसी स्टेट का, उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का जहाँ वो रहता है, यहाँ ऑर्डिनरली वो रेजिडेंट है, वहीं का वोटर समझा जाता है। जम्मू काश्मीर धारा 370 और धारा 35 हटा पर विरोध करार किसी अर्थ ही नहीं। काश्मीर स्थायी भाव रोकता अण काश्मीर नागरिक एवं भोट देवास जमीबाड़ी संपत्ति किए भारत अन्य राज्य में जेभली जड़े भारतीय सबू सुविधा पाई से काश्मीर में सुविधा पाए जहाँ को स्थानीय राजनैतिक दल विरोध करवा अस्वाभाविक घटना, देशर नियम को से मानि ने उचित। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 7। कहुच्छे जदि भोटर तालिका संशोधन होयम जदि पास होने 25 लाख भोटर एड होते एक्चुअली बिवाद कहीं 25 लाख भोटर को लेकिन कहीं बिवाद टी तथ्य मध्य बुझे चेस्टा करवा कहीं चाहूना 370 हटा पूर्व काश्मीर में भोटर लिस्ट था 76 लाख भोटर एवं भोटर संख्या 1 कोटी रु अधिक होोड़ पाखापाखि क्रस हो जहाँ को स्थानीय राजनीतिक दल हजम कर पार्ना विपद महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला विपद राजनीतिक समीकरण बिगिड़ भय घारी एम जम्मू में 40 सीट में बीजेपी भल कर संभावना रही जदि भल हो गला सरकार चेंज हो फल जम्मू काश्मीर बीजेपी एकाक सरकार गढ़ार संभावना ढेर अधिक अच्छी जहाँ को हजम कर पार्ना।